पंजाब नेशनल बैंक में बैंकिंग सेक्टर का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। ये घोटाला 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। इस घोटाले में हीरा कारोबारी नीरव मोदी का नाम सामने आ रहा है। नीरव मोदी का बचपन बेल्जियम के एंटवर्प में बीता। डायमंड से अधिक उनका मन संगीत में लगता था। हालांकि एक दोस्त के कहने पर उन्होंने पहली ज्वेलरी डिजाइन की और फिर वे उसी के होकर रह गए। 1999 में उन्होंने फायर स्टार कंपनी बनाई। फॉर्ब्स के मुताबिक नीरव मोदी की नेटवर्थ 11,000 करोड़ रुपए है। फॉर्ब्स के अमीरों की सूची में नीरव मोदी का स्थान 85वां है। उनके ज्वेलरी स्टोर लंदन, न्यूयॉर्क, लास वेगास, हवाई, सिंगापुर, बीजिंग जैसे 16 शहरों में हैं। भारत में भी दिल्ली और मुंबई में उनके स्टोर्स हैं। उनके ब्रांड को प्रियंका चोपड़ा, एंड्रिया डायाकोनू और रोजी हटिंगटन प्रमोट करते हैं। नीरव मोदी के पिता हीरा कारोबारी थे जो भारत से एंटवर्प चले गए। हालांकि नीरव मोदी को उनके पिता ने 19 साल की उम्र में वापस मुंबई भेज दिया ताकि वो हीरा कारोबार को समझ सके। नीरव मोदी ने ही 1990 के दशक में ग्राहकों को उनकी जरूरत के मुताबिक हीरे सप्लाई करना शुरू किया। 2010 में उनका डिजाइन किया हुआ एक नेकलेस हांगकांग में नीलामी में 22.4 करोड़ रुपए में बिका था। 2005 में नीरव मोदी ने फ्रेडरिक गोल्डमैन कंपनी को खरीदा। ये कंपनी अमेरिका में उसकी सबसे बड़ी ग्राहक थी और मोदी की कंपनी से 7 गुना बड़ी थी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्वैन टुडे। हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।